सिर्फ कैमरा ही है, इंपॉर्टेंट चीज नहीं है यहाँ पे। धीमी आवाज में बात कीजिए आप लोग। आई डोंट वांट एनी शाउटिंग नाउ। आई वांट द फोटोग्राफर्स टू बी साइलेंट। समझ में आ गया आपके? जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, इसमें ये कैमरामैन भी बहुत भड़क रहे हैं और ये बात करते हैं कि यहाँ पे ज़ेफ़रिन का खुद का बिहेवियर कैसा आप देख रहे हैं। और अभी एक और वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, इससे आप इनको बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे कि ये जो इंसान पाकिस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और कहता है कि जैसा लगा कि मैं घर आया हूँ अपने, और वही इंसान अपने असली देश में, जिसको मतलब जिस देश ने इनको इनकी अदाकारी पे इतना सराहा, प्यार मोहब्बत दी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इज्जत, पैसा, सब कुछ यहाँ से मिला, और यहाँ पे वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अनसेफ फील करते हैं और अपने लिए अनसेफ फील करते हैं। तो अभी मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ कि खुद के मुंह से आप सुनेंगे कि कैसे वो पाकिस्तान गए तो अपने आप को सेफ और घर जैसा महसूस कर रहे थे, और यहाँ पे हैं तो उनका जो बयान अभी लेटेस्ट चल रहा है आप सब देख चुके होंगे, लेकिन कंपैरिजन साइड बाय साइड देखना सही रहता है। He thanked the Pakistani people for their warmth and hospitality and said that coming to Pakistan feels like coming home. He said that he did not feel the need for additional security and loved roaming around freely. जो मोहब्बत मिलती है यहाँ पर उसका तो कोई कोई मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जाहिर करने को, जिस कदर मोहब्बत और जिस कदर प्यार मिलती है डर सराब भी नहीं लगता। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा लगता है कि घर आया हूँ। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद की। अच्छाई और बुराई के बारे में जरूर उनको सिखाया, जो हमारे बिलीव हैं दुनिया के बारे में वो हमने उनको सिखाए। कुरान शरीफ की एक आध आयत याद जरूर करवाई, क्योंकि मेरा मानना है कि उसका तलफ्फुज सुधरता है। इस बात की फिक्र होती है कि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। खैर, ये कहना कि मैं पाकिस्तान में बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ और इंडिया में असुरक्षित, तो ये तो कहीं लॉजिक की बात नहीं है। एक्चुअली सबकी सोच नहीं होती, इनकी भी गलती नहीं, और पूरे मुसलमानों को जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी जावेद अख्तर का बयान देखा, इनके ऊपर नहीं, जनरली वो अरविंद केजरीवाल को सिखा रहे थे, तो उसमें एंड में उन्होंने कहा कि आप हफ्ते भर के लिए पाकिस्तान चले जाइए और फिर जब आप इंडिया लौट के आएंगे तो आप धरती को चूमेंगे। ऐसे यही पता चलता है कि उनका कितना लगाव है देश की तरफ। उनको पता है कि इस देश की कितनी अहमियत है, इस देश ने उनको क्या क्या दिया है, सबको दिया, हर एक इंसान को दिया, हिंदू मुस्लिम धरती फर्क नहीं करती। तो यही मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वैसे तो मुझे नहीं पता है कि वो यूट्यूब पे कभी ऐसी वीडियो देखेंगे या फिर अपने अगेंस्ट, उनको पता होगा कि बहुत कुछ चल रहा है और उनको टेररिस्ट ऑलरेडी गद्दार घोषित कर दिया गया, इतना भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये उनका जो माइंडसेट है, ये जो नज़रिया है इस देश के प्रति, ये तो साफ लग रहा है। पहली चीज़ तो ऐसा लग रहा है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, दूसरा ऐसा लग रहा है कि अपने खुद के फायदे के लिए, लाइमलाइट के लिए पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें तो मुझे क्लियर लग रही हैं, इतने बुरे इंसान थे नहीं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो अब बुरे जरूर हो गए। अब इनके लिए जो इज्जत है ना लोगों के अंदर, वो कम हो गई है, क्योंकि अगर देश के लिए अगर आदमी कोई ऐसी बातें बोलेगा तो किसी को पसंद नहीं आएगी। खैर, एक चीज़ और कि एक शॉकिंग थिंग और लगी मुझे कि इन्होंने कभी किसी बड़े, जैसे कि 9/11 हुआ, बड़े बड़े और दंगे राइट्स पुरानी 90s की, और अभी पहले जितने मतलब बहुत सारे ऐसे मसले हुए वहाँ, तो इनके कभी कुछ इनका कोई इमोशन नहीं झलका, कभी टीवी पे नहीं आया, और अपने मतलब इतना ओपन होके नहीं बोला जितना ये अनसेफ आज फील कर रहे हैं। खैर, पब्लिसिटी स्टंट अलग जगह है और अपने देश से प्यार अलग जगह, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर इंसान इसी को कंडेम कर रहा है। ये मेरा रिएक्शन था, बाकी जनता जो भी भड़की होगी, जो भी इनको इनके एक्टिंग स्किल के लिए इनको पसंद करते थे, अब वो लोग भी सोचते होंगे कि अगर ये ऐसी फीलिंग रखते हैं पाकिस्तान में सेफ महसूस करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी इनकी टिकट कराची के बुक करा ही देगा। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, एक बीजेपी के मेंबर ने करा दिए और आज के न्यूज़ में चल रहा है कि कराची की टिकट बुक करा दी 14 अगस्त की, तो कोई भी करा देगा भाई, कोई भी कहेगा कि अगर आपको वहाँ ज़्यादा सेफ्टी फील हो रही है तो आप जाइए, नॉर्मली जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको पाकिस्तानी घोषित नहीं कर रहा, आप जहाँ सेफ फील करेंगे वहीं तो रहेंगे, जाइए। तो बाकी वीडियो चेक करके लाइक सब्सक्राइब कर देना, मैं नहीं उनको भेज रहा हूँ, उनको सेफ्टी जहाँ फील होती है वहीं रहना चाहिए।